अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। खबरें शायद आप तक पहुंची हो, लेकिन खबरों के पीछे की सच्ची खबर क्या है, रियल खबर क्या है, वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। पिछले कई दिनों से, मतलब शुक्रवार से ये घटनाक्रम शुरू हुआ है। शुक्रवार में शुभारंभ किया, मैं शुभारंभ शब्द का उपयोग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन शुरुआत हुई सिलिकॉन वैली बैंक के साथ। रविवार को सिग्नेचर बैंक, ये अमेरिका तक था। कल रात को एक वीडियो डाला गया था कि मूडीज ने 6 और बैंकों को रिव्यू के लिए रखा है, मतलब गड़बड़ झलप बड़ा है। और फिर एक और खबर आ गई कि यूरोप की सबसे बड़ी बैंक क्रेडिट स्विस, नाम भूल गया था, क्रेडिट स्विस बैंक भी डूब चुका है, मतलब बहुत बड़ा संकट है। तो अब भी कई लोग कहेंगे कि ये सब तो पता है, आपने थंबनेल में क्या लिखा है, आपने टाइटल में क्या लिखा है। अदानी को डुबाने के चक्कर में एक और बैंक डूबा, साफ खबर बिल्कुल सही है। इस बात की चर्चा तो संसद में भी हुई थी, भारतीय संसद में। पूरा घटनाक्रम समझिए कि अदानी टारगेट था या भारतीय अर्थव्यवस्था टारगेट थी, भारतीय स्टॉक मार्केट टारगेट पे था। अब कुछ ऐसी चीजें जो जानकार बता पाएंगे, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं दिया जा सकता। जो बर्बाद हुआ है वो बोलने वाला नहीं है कि मैं इसके कारण बर्बाद हुआ। ये उनके जो भी चट्टे पट्टे हैं वो आपको टेक्निकल रूप से समझाएंगे कि हाँ बैंक में तो क्या था भाई, जमा बहुत हो गए थे, हम कर्ज नहीं दे पा रहे थे, तो पूरा बैलेंस बिगड़ गया और बैंक डिफॉल्ट हो गया। नहीं साहब, घटनाक्रम कुछ और हुआ था। थोड़ा पीछे जाइए, 24 तारीख को हिंडनबर्ग साहब प्रकट हुए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी कि भाई ऐसा ऐसा है, अदानी तो चोर है, मतलब ये फ्रॉड आदमी है। फिर भी जो अदानी का डाउनफॉल देखा गया ना, वो इतना बड़ा नहीं था जितना ये लोग सोच रहे थे। वो डाउनफॉल शुरू हुआ जब ये बैंक क्रेडिट स्विस बैंक ने ही सबसे पहले अनाउंस किया था कि अदानी के जो बॉन्ड्स है ना, उसे हम अब मान्य नहीं रखेंगे, उसके ऊपर लोन नहीं मिलेगा। वी डोंट बिलीव दिस, अदानी की क्रेडिट को खत्म करने के लिए ये सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया था। और सालों पहले अमिताभ बच्चन साहब की एक मूवी आई थी साहब, उस मूवी में उनका एक फेमस डायलॉग था, हम जहां पे खड़े रहते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो लाइन शुरू हो भी गई इनके पीछे कि अब ये कह रहा है तो हम भी यही करेंगे। तो बाकी के ये सारे चट्टे बट्टे बैंकों ने क्यों अचानक ऐसा क्या हो गया, ये आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे कि एक साल से चल रहा था। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं था। ये अचानक डाउनफॉल क्या आया कि इन सारी बैंकों ने इसे फॉलो करना शुरू कर दिया कि अदानी के बॉन्ड्स के ऊपर लोन नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा रीजन था। तो हुआ क्या, कर्ज लेने वाले समाप्त हो गए। बहुत बड़ा, आप किसी भी जानकार को पूछोगे तो ये रीजन निकल के आएगा। और अदानी गिरा भी सही, स्टेबिलाइज भी हो गया और वापिस भी आ जाएगा थोड़े समय में। तो ये अदानी को एक छोटी मोटी चींटी समझ रहे थे, ये इनके लिए डायनासोर साबित हुआ। वो तो स्टेबिलाइज हो गया, झटके एब्जॉर्ब कर लिए और धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। हाँ, वापिस उस पोजीशन में पहुंचने में शायद कुछ समय लग जाएगा, लेकिन वो पहुंच भी जाएगा। जब अदानी के लिए हमने वीडियो बनाया था, गौतम अदानी जी के लिए, तब भी हमने कहा था, बहुत सारे लोग आ गए कि आप मोदी के फेवर में बोल रहे हो, राजनीतिक पार्टी के से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते तो भी यही कहा जाता, क्योंकि बात देश की थी, बात देश के एक प्रमुख उद्योगपति की थी। अब इन लोगों ने जो किया है, कल भी डाउ जोन्स 600 पॉइंट के आसपास गिरा है, मतलब आज भी स्टॉक मार्केट में तूफान आना तय है, क्योंकि सेंटीमेंट हम ले लेते हैं। एक तो वहां पे हिंडनबर्ग नाम का कोई इंसान कुछ बोल देता है, यहां पे रियल इन्वेस्टर्स की वाट लग गई जिन्होंने भी अदानी में इन्वेस्ट किया था। सब कुछ डाउन में चल रहा है, लेकिन फिर भी लोगों ने छोड़ा नहीं है, तभी ये बच के निकल वापिस आ रहे हैं ना। लोगों का भरोसा अभी भी है, तभी ये वापिस आ रहे हैं। अब ये जो सेंटिमेंट है, इसका इम्पैक्ट कल भी देखने को मिला, आज तो शायद और देखने को मिलेगा। तो उनकी करनी थी, उनकी कथनी थी, तो परिणाम उनको भुगतने दो। लेकिन हम तो हम है भैया, विदेशी ने कुछ बोला नहीं, प्रूफ मांगने की क्या जरूरत है, ये तो बोल रहे हैं ये सत्य ही होगा। 150 साल राज करके गए तो क्या हुआ,
लेकिन ये बोल रहे हैं तो सत्य ही होगा, यहां पे कोई बोलेगा तो 1000 प्रूफ मांगे जाएंगे। तुम कह रहे हो मतलब क्या हरिश्चंद्र आपके खानदान में हुए थे क्या? सबूत तो दिखाइए। सही बात है। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये न्यूज क्या है, लेकिन न्यूज समझिए, जिनको भी थोड़ी सी भी आप संसद में जाके चेक कर सकते हैं, इसी बैंक का नाम लेकर चर्चा की गई थी भारतीय संसद में। इतना बड़ा विदेशी बैंक कह रहा है मतलब गड़बड़ झाला है। भारतीय संसद में भी इस बात की चर्चा हुई थी कि इतना बड़ा विदेशी बैंक कह रहा है मतलब गड़बड़ झाला है, जेपीसी चाहिए। अब जेपीसी चाहिए वो न्यूज देखे होंगे, अब जाके चेक करिए आपको मिल जाएगा कि भारतीय संसद में भी इस बैंक का मुद्दा उठा था और अब यही बैंक गया। क्या हुआ साहब? जो पॉलिसी बनाई थी वो बैकफायर कर गई, जिसके लिए बनाई थी वो तो सस्टेन कर गया, फंस गए आप, अब भुगतो। तो ऐसी ही बहुत सारी खबरें और खबरों के पीछे की सच्चे खबरें जानना चाहते हैं तो रियल न्यूज नाम के इस परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि हम यहाँ पे नए हैं, वीडियोस को लाइक जरूर से कीजिएगा और आपके जितने भी अपने हैं उन तक शेयर कीजिए। जब ये दोनों चीजें होती है, वीडियोस को लाइक मिलते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर होता है, तो YouTube का जो अल्गोरिदम होता है वहां पे हमारी पोजीशनिंग मजबूत होगी। उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हमें आसानी रहेगी। तो इतना जरूर से कीजिएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।